अजमेर व्यापार महासंघ के बैनर तले व्यापारियों ने एलिवेटेड पार्किंग के लिए ठेके का विरोध करते हुए इसके टेंडर नहीं करने की मांग की है। इस समस्या को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। व्यापारियों का कहना है कि एलिवेटेड बनाने के बाद कचहरी रोड, पति राजमार्ग, स्टेशन रोड पहले से छोटे हो गए, जिसके चलते सभी को परेशानियां उठानी पड़ रही है और सभी व्यापारियों के व्यवसाय पर काफी असर पड़ा है और उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा है। और इस बीच इस सड़क के रास्ते में पार्किंग का ठेका दिया जाने की बात सुनाई दे रही है, जिसके चलते व्यापारियों ने निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंप कर इसका समाधान निकालते हुए पार्किंग ठेका नहीं निकालने की मांग की है। इसके साथ ही व्यापारियों की अलग अलग समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। आज अजमेर शहर व्यापार संघ और कचहरी रोड व्यापारी के एसोसिएशन के सभी शहर अजमेर शहर के व्यापारी संघ, पृथ्वी राज मार्ग के सभी व्यापारी जो कि एलिवेटेड रोड के नीचे नगर निगम पार्किंग का ठेका देने जा रही है, उसके विरोध में आज हम आयुक्त महोदय मिलने आए थे, लेकिन आयुक्त महोदय नहीं होने की वजह से उन्होंने चौधरी मैडम को समस्या सुनने के लिए भेजा। तो हम अजमेर के व्यापारी सभी इस बात का विरोध करते हैं कि ये एलिवेटेड रोड के नीचे जो पार्किंग दी जा रही है उसको निरस्त किया जाए, व्यापारियों को सुविधाएं दी जाए। तो कोई भी ग्राहक आएगा, आज दुकानदार के पास कोई 2 रुपए का पेन लेने आता है तो अपने 20 रुपए के पार्किंग में स्कूटर क्यों देगा, तो इस 50 रुपए 100 रुपए जो मिलेगा इसके अंदर जो पार्किंग चलाने वाले आदमी हैं, जो भी व्यवसायी होंगे, वो कई तरह के लोग होते हैं, कईयों की अपनी अपनी मानसिकता होती है, लेकिन किसी माता पड़े कोई कैसा आदमी कैसा व्यक्ति है, ये रोज के झगड़ेबाजी होगी। और फिर ये रोड जो PWD का है तो नगर निगम का तो कोई ठेका देने का अधिकार ही नहीं है, हम PWD में जाके मिलेंगे और ये जो पार्किंग दे रहे हैं इसको निरस्त किया जाए और लोगों को राह दिया जाए, दुकानदार को राह दिया जाए, ये हमारा निवेदन है। महासंघ के तत्वावधान में अजमेर के सभी प्रबुद्ध व्यापारी गण जो आयुक्त महोदय से मिलने आए थे और हमने माननीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन देकर ये मांग की है कि जो एलिवेटेड रोड अजमेर का बना हुआ है ये जनता की सुविधा के लिए बना हुआ है, लेकिन ये एलिवेटेड रोड बनने से कचहरी रोड, पृथ्वीराज मार्ग, सूचना केंद्र चौराहे, इनके व्यापारियों का जो व्यवसाय है वो ऑलरेडी 50% कम हो चुका है। उसके बाद इसके नीचे का जो बहुत सकरा स्थान है उसको पार्किंग पे देने की कवायद नगर निगम का प्रशासन कर रहा है। अगर इसको पार्किंग पे दे दिया जाता कुल मिलाकर 20 फीट का भी ये रोड नहीं है, 3-3 फीट का प्रावधान नगर निगम का कि अपनी दुकान के बाहर वाहन ग्राहक वाहन खड़ा कर सकता है। अभी स्थिति यह है कि जितने भी ग्राहक आते हैं, जितने भी व्यापारी हैं, उनकी गाड़ियाँ भी एलिवेटेड रोड के नीचे खड़ी होती है, इसलिए हमने कहा अगर ये उसको पार्किंग पर दे दिया तो जो ग्राहकों के वाहन और व्यापारियों के वाहन खड़े होते हैं वो 3 फुट के दायरे से निकलकर 6 फुट होंगे और यातायात समस्या की बहुत ज़्यादा संकट अजमेर के अंदर पैदा होगा, ये बहुत बड़ा सिरदर्द अजमेर के लिए बन जाएगा, इसलिए तुरंत प्रभाव से ये जो प्रस्ताव है इसको पार्किंग को ठेके पर देने का इसको तुरंत निरस्त करें। और चूंकि कोई भी सार्वजनिक आवागमन का स्थान है उसको व्यवसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करना कानूनी रूप से भी गलत है और इसको लेकर अजमेर का पूरा व्यापार जगत आंदोलित है। आज हमने व्यापार महासंघ के नाते, चूंकि मैं भी एक व्यापारिक संस्था चलाता हूँ, मेरे 4 व्यापारिक संस्थान केवल इस पृथ्वीराज मार्ग और कचहरी रोड के नीचे हैं, जो इस बार पहली बार बरसात के अंदर पूरी तरह से डूबे और पूरी तरह से भारी क्षति हुई है। 16 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ है, गुजर धरती में मेरा दूसरा प्रतिष्ठान है वो डूबा है, इसलिए हमने एलिवेटेड रोड के अंदर आज स्थिति है कि नीचे देखकर गड्ढे से डरकर चलो तो ऊपर से प्लास्टर गिरता, ऊपर देखो आदमी नीचे गड्ढे में गिरकर हो रहा है, और अगर PWD की सड़क है तो PWD की सड़क पर नगर निगम को यहाँ पर पार्किंग के लिए स्थान नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही हमने अजमेर के अंदर स्वच्छता से जुड़े हुए भी कुछ विषय उनके सामने रखे हैं और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऊपर जाके तूफान से न केवल ब्रह्मपुरी, हाथीबाटा, शिवपुरी डूबे बल्कि हमारा पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, कचहरी रोड, पृथ्वीराज मार्ग, नगर निगम के बाहर सूचना केंद्र चौराया, इंडिया मोटर चौराया सर्किल, TB अस्पताल के सामने, जयपुर रोड के सामने, चौपाटी के सारे क्षेत्र के जो व्यापार जगत के लोग हैं उनके घरों के उनकी दुकानों के अंदर 12-13 फुट 5-5 फुट पानी आया है। ये हमने विषय आज माननीय आयुक्त महोदय के सामने रखा।